गाइज, अगर आपके लैपटॉप पे कुछ ऐसे शो कर रहा है लर्न अबाउट दिस पिक्चर, तो इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे फिक्स करना है, क्योंकि स्क्रीन पे क्यों आ रहा है ये जानना हमें ज़रूरी है काफ़ी। तो अगर ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है तो उससे पहले आपकी ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी। जब अपना लैपटॉप या सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको लिखा हुआ जाएगा प्लीज़ कीप योर कंप्यूटर ऑन, मतलब अपने कंप्यूटर को ऑन रखना है, आपको बंद नहीं करना इस टाइम पे, क्योंकि एक तरीके से ये अपडेट है आपके लैपटॉप या सिस्टम में। उसके बाद रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद आपको एक दो ऑप्शन और शो करेंगे, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ बार कोड शो करेगा, यहाँ पर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद जैसे अपना लैपटॉप ऑन होगा यहाँ पर शो करेगा आपको लर्न अबाउट दिस पिक्चर। तो आपको नॉर्मली राइट क्लिक करना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अभी देख सकते हैं, राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो करेगा बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है। ये बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो करेगा पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड पिक्चर्स, यहाँ पर विंडोज स्पॉटलाइट आपको शो कर रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पिक्चर्स पर आपको क्लिक कर देना, देन यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मल क्रॉस करके बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आप वो शो नहीं कर रहा, और नॉर्मली जो विंडो 10 और 11 में जो पिक्चर्स होती है वॉलपेपर होते हैं वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं।